अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रेगुलर और इररेगुलर नाउन के बारे में करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रेगुलर नाउन्स क्या होते हैं। रेगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग आइदर एन एस और यस टू द एंड। के जो रेगुलर नाउन के जब हम प्लूरल बनाते हैं, रेगुलर नाउन के जब हम किसी भी नाउन का जब हम प्लूरल बनाते हैं, उसके लिए हम कोई मेथड यूज़ करते हैं, कोई रूल होता है उसका बनाने का, और उसके एंड पे एस और ईएस तो मस्ट है, ठीक है, तो वो रेगुलर नाउन कहलाएंगे। और इररेगुलर क्या है? डू नॉट फॉलो एनी पार्टिकुलर पैटर्न। इसके लिए कोई मखसूस कोई पैटर्न कोई तरीका नहीं होता इनका प्लूरल बनाने का। इसमें हम मोस्टली स्पेलिंग चेंज करते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं। इसके लिए कोई मेथड नहीं होता, ये जस्ट हमें याद करने पड़ते हैं। जैसे टूथ है, टीथ, इसके बीच में स्पेलिंग चेंज होते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से कहीं भी स्पेलिंग चेंज हो सकते हैं, ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है बनाने का, ये जस्ट हमें याद करने पड़ेंगे अच्छे तरीके से। जैसे टूथ है, टीथ, ऑक्स, ऑक्सन, फुट, फीट, तो ये सारे क्या हैं? इररेगुलर नाउन है। और रेगुलर नाउन जो हैं वो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनका मेथड होता है। जैसे मैं आपको मुख्तलिफ मेथड दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे आप ये देखें, मोस्टली जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम वर्ड्स के एंड पे एस ही लगाते हैं, लेकिन जिन नाउन के आखिर में, लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके आखिर में अगर एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, जी आ जाए, तो हम उसकी प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? उसके एंड पे ई एस लगाएंगे। ये हमारा मेथड है, ये एक रूल है बनाने का। तो ये सारे फिर क्या होंगे? रेगुलर नाउन होंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसी तरह अब ये देखें है यहाँ पर कि जिन वर्ड्स के, जिन नाउन के आखिर में एफ़ हो, एफ़ आ जाए, एफ ई आ जाए, तो इसको हम कट करके क्या लगाएंगे? इसकी जमा बनाने के लिए वी ई एस लगाएंगे, ठीक है। इसकी जमा बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? वी ई एस। ये भी हमारा रूल है एक, ठीक है, एक मेथड है जिसके तहत हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो ये भी रेगुलर नाउन में आएगा। कुछ और देखें, जैसे अब ये देखें जिन नाउन के आखिर में वाई हो, तो वाई को कट करके हम क्या लगाते हैं? आई ई एस लगाते हैं, लेकिन अगर वाई से पहले वोवल आ जाए, तो फिर हमने वाई को कट नहीं करना, जस्ट एस लगा कर उसकी जमा बना देनी है, ठीक है। मोस्टली हम क्या करते हैं, वाई को कट करके अगर आई ई एस लगाते हैं, लेकिन अगर वाई से पहले वोवल आ जाए, ए ई आई ओ यू में से कोई भी लेटर हो, तो फिर हम वाई को कट नहीं करेंगे, जस्ट एस लगाएंगे। तो ये सारे जो हैं नाउन क्या कहलाएंगे? रेगुलर नाउन कहलाएंगे, ठीक है। रेगुलर नाउन जो भी नाउन है उसको जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएं, उसके लिए कोई मेथड जो हम यूज़ करते हैं, उनके तहत जब हम बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल, तो वो सारे नाउन क्या कहलाएंगे? रेगुलर नाउन कहलाएंगे। लेकिन जिन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कोई मेथड नहीं होता, ठीक है, जस्ट स्पेलिंग में चेंजिंग होती हैं, जो वो हमें याद करनी पड़ती हैं, तो वो इररेगुलर नाउन कहलाएंगे। जैसे ये रेगुलर नाउन है और ये इररेगुलर नाउन है। चॉकलेट है, चॉकलेट्स, प्लांट, प्लांट्स, डिश, डिशेस, इसके एंड पे एस एच है तो ई एस आएगा। ये आप देखें, टूथ है, टीथ है, ऑक्स, ऑक्सन, फूड, फीट, इसमें कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये नीचे भी देखें कुछ सिंगुलर प्लूरल जो हम मैंने खुद लिखे हैं यहाँ पर, गूज, गीज, ये देखें इसका कोई मेथड नहीं है, तो ये क्या है? अब ये इररेगुलर नाउन है, गूज, गीज, ये क्या है? इररेगुलर नाउन है। फ्लावर, फ्लावर्स, ये रेगुलर नाउन है। मैन, मैन, इसमें कोई मेथड नहीं है, मैन, मैन, स्पेलिंग में दरमियान में स्पेलिंग में चेंजेस की गई हैं, मैन, मैन, तो ये क्या है? इररेगुलर नाउन है। एप्पल, एप्पल्स, तो ये रेगुलर नाउन है। वॉच, वॉचेस, तो ये क्या है? रेगुलर नाउन है। अब यहाँ पर है एक्शन वर्ब्स, अमल को दिखाने वाले अफ़ार। जो भी काम हम करते हैं या फिर कोई और चीज़ करे, तो उस अमल को शो करने वाले जो वर्ड्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब्स। अब जितने भी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो क्या हैं? एक्शन वर्ब्स हैं। उनमें से आपने कोई पांच लेने हैं और उनके आपने सेंटेंस बनाने हैं। ये मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन, किसी भी मकाम जगह के हरूफे जार। प्रेपोजिशन किसको कहते हैं? हरूफे जार को कहते हैं। प्रेपोजिशन जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री का मतलब है पहले, पोजिशन जगह, तो किसी जगह से पहले आने वाले वर्ड क्या हैं? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन।
तो प्रेपोजिशन में क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, ऐसे लफ्ज जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड से, सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से तल्लक जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखें, प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन इंडिकेट, यहाँ पर जस्ट प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन के बारे में बताया गया है। प्रेपोजिशन में मोस्टली तीन चीज़ों का जिक्र होता है कि कोई भी चीज़ जो है, किस काम जो है वो किस डायरेक्शन में हुआ, किस सिम्ट में हुआ, किस वक्त हुआ, टाइम का जिक्र होता है, प्लेस का होता है कि किस वक्त हुआ और किस जगह पर हुआ। प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन है यहाँ पर, ठीक है। मकाम या जगह के हरूफ जार इंडिकेट, वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्या जाहिर करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन ये वर्ड जो है, वेयर समथिंग इज़, के कोई चीज़ जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, कोई चीज़ जो है वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, कि किसी भी चीज़ की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अराउंड कोई चीज़ इर्द गिर्द है, आप ऊपर है, बिटवीन दरमियान में है, अंडर किसी चीज़ के नीचे है, बिलो किसी चीज़ से नीचे है। अब ये देखें, यहाँ पे सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, द रैबिट इज़ अंडर द बेड, खरगोश बेड के नीचे है। अब ये देखें, खरगोश का बेड के साथ लिंक किसने जोड़ा, इस अंडर ने, नीचे ने, ठीक है, इस वर्ड ने, अंडर ने, इसको क्या करें, इसने पोजीशन शो की है, रैबिट की पोजीशन शो की है कि रैबिट किस जगह पर है, किस जगह पर है, रैबिट बिस्तर के नीचे है। आवर स्कूल, अब हमारा स्कूल कहाँ पर है, हमारे स्कूल की पोजीशन क्या है, किस जगह पर है, आवर स्कूल इज़ बिटवीन द पार्क एंड द मार्केट, पार्क और मार्केट के दरमियान में। बिटवीन आता है जब कोई चीज़ दो चीज़ों के दरमियान में हो, ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान में जब कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम बिटवीन लगाते हैं, और जब कोई चीज़ बहुत सारी चीज़ों के दरमियान में होती है तो उसके लिए हम अमंग यूज़, दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में जब कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम अमंग यूज़ करते हैं। अ लैम्प हंग ओवर द टेबल, लैम्प कहाँ लटका हुआ है, टेबल के ऊपर लटका हुआ है, ठीक है, लैम्प कहाँ है, लैम्प की पोजिशन किसने बताई, इस वर्ड ने। द कैट क्लाइम्ब्ड अप द ट्री, अब कैट की पोजीशन किसने बताई, आपने, के बिल्ली दरख्त के ऊपर चढ़ गई। आई सॉ पीपल, अब लोगों को कहाँ देखा गया, इस वर्ड ने बताया कि अराउंड इर्द गिर्द, आई सॉ पीपल अराउंड द साइड ऑफ द गार्डन। बहुत ही आसान है कि किसी भी चीज़ की जब जो पोजीशन को, कि कोई चीज़ जो है वो कहाँ पर है, जो वर्ड शो करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड दिए हैं कि इनको यूज करते हुए आप मजीद सेंटेंस बनाएं। प्रेपोजिशन को आपने, इन प्रेपोजिशन को यूज करते हुए आपने मजीद सेंटेंस बनाने हैं, अंडर है, अराउंड है, बिटवीन है, ओवर है, अप है, ठीक है। अंडर किसी भी चीज को आप किसी चीज के अंडर कर सकते हैं, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अराउंड देयर वर चिल्ड्रन और अराउंड द गार्डन, बिटवीन आवर हाउस इज बिटवीन द गार्डन एंड द मार्केट, ओवर होता है ऊपर, पर किसी चीज़ के ऊपर होना, ठीक है, बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर जब कोई चीज़ होती है, ओवर। अब बटरफ्लाई इज फ्लाइंग ओवर फ्लावर्स, फूलों के बिल्कुल ऊपर फ्लाई कर रही है वो, अप ऊपर, द बॉय क्लाइम्ड अप द वॉल, लड़का दीवार पर चढ़ गया। यहाँ पर है कैपिटलाइजेशन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कैपिटल लेटर, ये सेंटेंस पढ़ें और आप, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैपिटल लेटर जो है वो हमने कहाँ कहाँ यूज करना है। जैसे जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर, जो पहला वर्ड होता है, उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल आएगा। और जो भी नाम होंगे, ठीक है, किसी शख्स का नाम होगा या फिर मुल्कों के, शहरों के नाम होंगे, तो उनका जो पहला लेटर है वो कैपिटल आएगा, मतलब प्रॉपर नाउन के साथ हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। जैसे अब ये देखें, समराइज रीडिंग अ बुक, सेंटेंस यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप है, यहाँ पे ख़त्म हो गया ये वाला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल आएगा। शी लाइक्स रीडिंग स्टोरी बुक्स। अब कोको ट्रीज आर ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका,
इसका W कैपिटल, इसका E, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है उनके उनके जो है हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएंगे। टुडे, ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, टुडे इज वेनसडे, टुडे इज वेनसडे, तो W इसका कैपिटल, ठीक है। डेज ऑफ वीक का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। अब यहाँ पर है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो दिए गए सेंटेंस हैं, जो सेंटेंस लिए गए हैं, मतलब जैसे जुमलों में औकाफ लगाने हैं आपने, ठीक है। इन सेंटेंस को आपने दुरुस्त करना है, जहाँ भी आपको मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं आपने दुरुस्त औकाफ जो हैं उनको लगाना है। जैसे अब ये देखें, जुलाई कम्स आफ्टर जून, तो जो मंथ्स होते हैं उनका पहला लेटर कैपिटल होता है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, तो मैंने ये दुरुस्त कर दिए। आपने जे कैपिटल लिखना है, जुलाई कम्स आफ्टर, यहाँ पर भी जे कैपिटल आएगा और इसके एंड पे फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि जुलाई जून के जुलाई कम्स आफ्टर जून, जून के बाद जुलाई आता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, फुल स्टॉप आएगा। अब यहाँ पर ये व्हाट है, व्हाट इज शाजिया डूइंग, तो W इसका कैपिटल आएगा, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में जो वर्ड होते हैं उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। व्हाट इज शाजिया, ये नेम है, तो इसका S कैपिटल आएगा। व्हाट इज शाजिया डूइंग, तो ये क्या है, शाजिया क्या कर रही है, ये एक सवाल या फिक्रा है, तो एंड पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि सवाल या सेंटेंस है तो इसके एंड पे इंटेरोगेटिव मार्क आएगा, सवाल या निशान आएगा। अब यहाँ पर है दे ईट नट्स एवरी संडे, दे टी इसका कैपिटल आएगा, दे ईट नट्स एवरी संडे, और एस संडे का एस कैपिटल आएगा, बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। वो हर संडे को नट्स खाते हैं, तो बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। आई कैपिटल आएगा, ठीक है। आई लिव इन पाकिस्तान, पी कैपिटल आएगा, आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। ये तो यहाँ पे एंड पे क्या है, इसके फुल स्टॉप आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो आज की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, इसका पार्ट टू भी कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।